सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब अकर नाइक साहब, आप सभी मुआज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहने के लिए चेयरमैन मुझे बकरवाली साहब, जिला तरक्याती कमिश्नर साहब यादव जी, आपके मेहमान जी वकार मोहम्मद इरशाद, डॉक्टर खली कंजुम साहब, बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट एडवोकेट जमान साहब, पंजाब नेशनल बैंक मैनेजर सज्जाद साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आरएसई फोरम हमीद नवाज साहब, रियाज आतिफ साहब, औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर गुलाम महीदीन साहब, गुलाम अपनी किश्ते वीरा से जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत सरफेज है, ऐसा की जरा नम हो तो अपॉर्चुनिटीज की बात है। पुंछ की अगर हम बात करें तो ये इल्म अदब का गहवारा रहा है। 1947 से पहले लाहौर से यहाँ पर लोग आते थे, टाउन हॉल पुंछ डीसी साहब जो ध्वस्त हो चुका है 2005 के जलजले के बाद। जितने भी यहाँ पे लोग आज मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए आए हैं, सबसे पहले उनका शुक्रिया। और मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से 4 साल पहले, जब मैं फर्स्ट टाइम एक थिएटर करने के लिए हैदराबाद गया था, वो थिएटर मेरे भाईजान की वजह से मैंने किया था। एक शौक था कि मैं एक नई पहचान बनाऊं, अपने पुंछ के एरिया से निकल के एक अपनी एक नई पहचान बनाऊं, ताकि मुझे भी लोग जाने। यहाँ पे बहुत टैलेंटेड लोग निकल चुके हैं पहले भी इस फील्ड के अलावा, सो मेरा एक अलग ही प्लान था। सो जब मैं थिएटर किए, भैया की सपोर्ट की वजह से मैंने थिएटर शुरू किए, पर बहुत मुश्किलें आती हैं। और फर्स्ट टाइम जब मैंने आईजीटी का ऑडिशन दिया, तब जाके पहली बार मुझे लगा कि हाँ, मैं शायद इस फील्ड के लिए बना हूँ, मुझे कोशिश करनी चाहिए। आपको कि जिन्होंने इनको प्रमोट किया, और मैं उस इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो क्रिकेट की दुनिया जहां पे खाली 11 लोग हमें दिखते मैदान में खेलते, और एक ये दुनिया है चकाचौंध और चमक दमक की दुनिया, इसमें हर कोई एक कामयाबी का बड़ा मकाम हासिल करना। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने जाकर के अपनी ऑडिशन दी, उसके बाद में फिर इनको वहां पे सिलेक्ट किया गया, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप। और मुंबई जैसे उसको तो हम माया नगरी कहते हैं, जहां पे बंदा गुम ही हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है। आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने जो है इस फील्ड में आप आगे बढ़े, और आपकी पूरी फैमिली को, स्पेशली आपके बड़े भाई को बहुत बहुत बधाई है कि उन्होंने जो है आपको इस फील्ड में जाने के लिए आगे एनकरेज भी किया, और आपने उसको आपने उनकी उम्मीदों पर आप खड़े उतरे और आपने एक अच्छी शुरुआत की है। लेकिन उसके साथ ही जैसा एसएसपी साहब ने बोला कि ये जो फील्ड है इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आपने उसको भी मद्देनजर रखना है और कभी हिम्मत नहीं हारनी है और आगे जाना है। मोहम्मद इरशाद साहब के बारे में कुछ कहा था तो मुझे लगा कि शायद जिनकी बदौलत आज के नवाज हमें नसीब हुए, जिसका कि अहमियत है, वो नवाजे के खन्ना साहब को, प्रदीप खन्ना साहब के बगैर महफिल जो है वो अधूरी रहती है। हर महीने चल जाए, हर महीने इस ग्लैमरस की दुनिया में अपना नाम कमाई, इज्जत भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। और बिल्कुल एसपी साहब ने कहा कि ये पुंछ वालों की खासियत है, ये पुंछियत है कि ये अपने हर आने जाने वाले का खैर मकदम भी करते हैं, उसे सराखों पर भी बिठाते हैं, उसकी इज्जत अफजाई भी करते हैं। वरना मुझे बहुत शौक है, इस वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ, और मेरा यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है और बाकी किसी का सपोर्ट नहीं है। पीछे जितनी भी फैमिली मेम्बर्स है वो सब अगेंस्ट है, बट मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं आगे पहुँची हूँ। सुरनकोट से उठ के और मुंबई जाना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मेरे लिए कोई भी जाएगा, मतलब अगर अभी मैंने स्टार्ट किया है और कोई लड़की भी नहीं है, सपोर्ट करता ही नहीं है यहाँ पे कोई, लड़कियों को तो बिल्कुल करता ही नहीं है कोई भी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि मैं अगर ट्राई करूँगी, मैं भी शायद आगे लड़कियों को कोई सपोर्ट मिले, कोई घर वाले सपोर्ट करें, इसकी वजह से भी लड़कियाँ आगे बढ़ सकती हैं। मैं मुझे देख के कुछ लड़कियों का मन करे, उनके भी पेरेंट्स भेजें उनको ये वो, क्योंकि यहाँ की लोगों की मन सोच बहुत अलग है, बहुत हाई लेवल की नहीं है, बहुत मतलब लो लेवल की है वो सोच बिल्कुल, मतलब उनको चेंज करने के लिए मैं भी गई हूँ, और उस वजह से शायद मैं भी, शायद मुझे देख के क्या पता कोई और लड़कियाँ भी जाएँ आगे।